सुदशरथ अजर बिहारी। ये सतयुग की बात है जब भगवान विष्णु के डर से बचने के लिए सारे राक्षस रसातल में जा चुके थे। अयोध्या में महाराज दशरथ का राज था। लंका पर अभी राक्षसों का अधिकार नहीं हुआ था, पर ऋषि पुलत्स और केकसी के बड़े बेटे दशानन या रावण को लंका पर अपना अधिकार जमाना था। उसे देवताओं से राक्षसों की हार का बदला लेना था और धरती पर से भगवान विष्णु का नामोनिशान मिटा देना था। फिलहाल वो राक्षस अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए ब्रह्मा से वरदान पाना चाहता था, इसलिए वो घोर तपस्या कर रहा था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वो घना जंगल इस एक मंत्र के जाप से न जाने कब से गूंज रहा था। कई सालों से उसकी तपस्या चल रही थी। सामने जलते अग्निकुंड से उठती लपटें आसमान को छू रही थीं, पर उसके चेहरे पर एक बेचैनी थी। जब से उसने ये तप शुरू किया था, ब्रह्मदेव ने उसकी एक नहीं सुनी थी। उसका नाम दशानन था। अभी उसे रावण नाम नहीं मिला था, तभी उसकी नजर आसमान की तरफ गई। अपने चोंच में मांस का टुकड़ा लिए गिद्ध पंख फड़फड़ाते उड़ रहे थे। जब वो छोटा था तब उसे उन गिद्धों से बड़ा डर लगता था, पर उसकी मां कैकसी उसे समझाती कि वे उसके सुरक्षा कवच हैं। अब उसकी तपस्या का आखिरी चरण चल रहा था। ब्रह्मदेव प्रसन्न नहीं हो रहे थे। अब वो अपना दसवां सिर भी काटने की तैयारी में था। उसने करीब में रखी खून से सनी तलवार उठा ली। दशानन के मन में मां कैकसी की आवाज गूंजी, पुत्र ये विमान देखा, अपने भाई कुबेर का सुख और वैभव देखा। तभी एक दूसरी आवाज आई। ये भारी सी आवाज उसके नाना सुमाली की थी। बेटे, एक दिन तुम अपने नाना की इच्छा पूरी करना, हमारे पुराने दुश्मन विष्णु से बदला लेना। जी नाना जी, दशानन को अपनी ही आवाज सुनाई दे रही थी। नाना के शब्द फिर उसके कान में गूंजने लगे। एक और बात, तुम्हारे भाई ने हमारी नगरी पर कब्जा कर लिया है। विष्णु के डर से हम लोग यहां पाताल में छुपे बैठे हैं बेटे। एक दिन ब्रह्मा से वरदान लेना और लंका नगरी से उस दुष्ट कुबेर को बाहर निकाल फेंकना। तुम्हें याद है ना, लंका को हमारे लिए खुद विश्वकर्मा ने तैयार किया था। तभी फिर मां कैकसी की आवाज दशानन के कानों में पड़ी। सुनो दशानन, ये विष्णु संसार का राजा बना फिरता है, पर वो हमेशा देवों का साथ देता है। वो राक्षस विरोधी है, हमारे राजपाट को फैलाने से रोकता है। अपनी मां की ये इच्छा जरूर पूरी करना। मैंने अपने पिता को जमीन के नीचे पाताल में छुप छुप कर रहते देखा है। ब्रह्मा किसी का पक्ष नहीं लेते, उनसे वर मांग लेना तो दुनिया का सम्राट बनना। ऐसा ही होगा मां। पर अब ये शब्द अपने मायने खो रहे थे। उसके हाथ तलवार पर कस गए। उसने सोचा अब वो खुद को उसी तलवार से खत्म कर लेगा। उसने दाएं बाएं देखा। यज्ञ कुंड के करीब आग जलाकर उसमें उसका भाई कुंभकर्ण बैठा था। आग की तेज लपटों ने उसके बाल जला दिए थे, आंखें झुलस गई थीं, भौहें जल गई थीं, उसका सारा शरीर कांटे जैसा सूख कर काला पड़ गया था। वहीं दूसरी तरफ एक पैर पर खड़े होकर विभीषण अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैला आनंदित भाव से तपस्या कर रहा था। ये तीनों सगे भाई थे, एक ही पुलत्स्य राक्षस वंश के, लेकिन तीनों की तपस्या का अलग अलग मकसद था और उसके लिए अपनाया तरीका भी अलग था। इन तीनों की घोर तपस्या देख स्वर्ग के सारे देवता डरे हुए थे। उनके मन में बस एक ही सवाल उठ रहा था,
इतनी घोर तपस्या के बाद अगर इन्होंने अमृत का वरदान मांग लिया तो ब्रह्मदेव को अपने सारे नियम ताक पर रखकर इन्हें अमर बनाना होगा। दशानन इसलिए तो साधना कर रहा था। हे ब्रह्मदेव, मैंने पूरे मन से आपकी साधना की है। आज तक मैं अपने 9 सिर आपको दे चुका हूं। लगता है आप मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं हो, तो ठीक है, मैं अपना 10वां सिर भी आपको देता हूं। कहते हुए उसने अपने हाथ के जोरदार प्रहार से अपना सिर काट डाला। सिर सीधा जलते अग्नि में जा गिरा। उसके सिर कटे बदन से रक्त की धाराएं फूट पड़ी। थोड़ी देर में उसका विशाल शरीर धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर जा गिर पड़ा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः का जाप रुक गया। सारा जंगल शांत हो गया। सिर्फ साएं साएं का शोर कर हवाएं चल रही थी। तभी ब्रह्मा प्रकट हो गए। उठो वत्स दशानन। और अगले ही पल चमत्कार हुआ। नीचे गिरा वो धड़ फिर से समाधि अवस्था में बैठ गया। यज्ञ कुंड से एक एक करके 10 सिर बाहर निकले और धड़ से जुड़ गए। दशानन के हाथ में अभी भी तलवार वैसी ही थी। उसने अपनी आंखें खोली। सामने सफेद हंस पर बैठे ब्रह्मदेव नजर आए। झक सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, 4 मुंह और 4 हाथ। उन्होंने सफेद धोती पहनी थी। ऊपर से सफेद रंग की रेशम की दुशाला ओढ़ी थी। उनके 4 हाथों में एक में माला, एक में कमल का फूल, एक में पवित्र वेद और एक आशीर्वाद में उठा था। उनके चारों मुखों से हमेशा चारों वेदों का पठन चलता रहता था। दशानन ने ब्रह्मा के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए। ब्रह्मदेव, हां पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? मैं राक्षस कुल को त्रिलोक विजयी बनाना चाहता हूं। मेरे नाना का सपना है राक्षसों का फिर से लंका पर अधिकार हो। मैं उनका सपना पूरा करना चाहता हूं। तथास्तु, ऐसा ही होगा। और मांगो पुत्र, और मांगो। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तब दशानन ने पासा फेंका। भगवान, शायद आप मुझे मेरा मनचाहा वर नहीं दे सकेंगे। पुत्र, तुमने अपने 10 सिरों को मुझे अर्पण किया है। मैं तुम्हें वर देने के लिए बाध्य हूं। अपनी इच्छा तो कहो। तो हे ब्रह्मदेव, मुझे अमृतत्व का वरदान दीजिए। ये शब्द सुनते ही ब्रह्मदेव हिल गए, गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें चुप देख दशानन ने दूसरा पासा फेंका। क्या हुआ ब्रह्मदेव, अब आप किस सोच में पड़ गए? क्या आप अब अपने ही शब्दों को झूठा साबित करेंगे, या ये कहेंगे कि मैं तुम्हें दूसरा वर नहीं दे सकता? नहीं दशानन, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर तुम्हें ही क्या, किसी भी प्राणी को हमेशा के लिए अमृत तो नहीं मिल सकता, इसलिए दूसरा वरदान मांगो। ब्रह्मदेव की बात सुनकर दशानन सोच में पड़ गया। अमृत्व के बिना उसका संकल्प पूरा नहीं हो सकता था। ब्रह्मा भी उसे लगातार देखे जा रहे थे। दशानन ने चालाकी से दूसरा रास्ता निकाल लिया। तो हे भगवान, कुछ ऐसा करें कि गरुण, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस या देवता, इनमें से कोई मेरी हत्या न कर पाए। बाकी प्राणियों की मुझे कोई चिंता नहीं है। इंसान और दूसरे जीवों को तो मैं तिनके की तरह समझता हूं। ब्रह्मदेव मुस्कुराए। तथास्तु, ऐसा ही होगा। दशानन ने खुश होकर ब्रह्मा को प्रणाम किया। तभी फिर से ब्रह्मदेव की आवाज गूंजी। सुनो दशानन, तुम्हें मैं एक और वर देता हूं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप बदल सकोगे, अपना आकार छोटा बड़ा कर सकोगे। भगवान शिव की इच्छा से मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूं। आज से तुम दुनिया में रावण के नाम से जाने जाओगे। ब्रह्मदेव से वर पाकर रावण खुश हो गया। फिर ब्रह्मदेव विभीषण की तरफ मुड़े। हे वत्स विभीषण, तुमने अपना मन हमेशा धर्म में रखा है। बोलो,
तुम्हें क्या वरदान चाहिए? ब्रह्मदेव की बात सुनकर विभीषण ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। फिर उसने अपनी धीर गंभीर आवाज में कहा, हे परम पिता, मैं कभी धर्म के मार्ग से ना भटकूं और बिना सीखे ही मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। तथास्तु, ऐसा ही होगा धर्मात्मा विभीषण। विभीषण ने ब्रह्मा के आगे सिर झुकाया। रावण के चेहरे पर एक ही भाव था, उसके सबसे छोटे भाई ने अपनी तपस्या बेकार गंवा दी। रावण मन ही मन सोचने लगा, धर्म का मार्ग ये क्या? चलो, उसने ब्रह्मास्त्र मांग लिया, ये अच्छा किया। उठो पुत्र कुंभकर्ण, वर मांगो। रावण लगभग अमर हो चुका था। अब अगर कुंभकर्ण अमृत मांग लेता तो दुनिया में प्रलय आ जाती। वर, मुझे नींद आ रही है। ब्रह्मा ने समय गंवाना ठीक नहीं समझा। तथास्तु, नहीं परमपिता, ऐसा वर ना दो। बेटे, जो तुमने मांगा मैंने वही दिया। जैसे तुम्हारे भाइयों ने मुझसे मनचाहा वर मांग लिया, तुमने भी मांग लिया। तुम अब सदा सदा के लिए सोते रहोगे। ये कहकर ब्रह्मा अंतर ध्यान हो गए। कुंभकर्ण ताड़ सा ऊंचा राक्षस था। ब्रह्मदेव के जाते ही उसे नींद आने लगी। वो वहीं बैठे बैठे लुढ़क गया। रावण और विभीषण ने बड़ी मुश्किल से उसे अपने कांधे का सहारा दिया। वे तीनों जंगल छोड़ अपनी मां कैकेसी और नाना सुमाली से मिलने पाताल लोक की ओर बढ़ने लगे। सतयुग की शुरुआत में जब वरदान पाकर रावण का साम्राज्य विस्तार हो रहा था, उस समय अयोध्या की बागडोर महाराज अज के पुत्र महाराज दशरथ के हाथों में थी। वो एक धर्मपरायण राजा थे, लेकिन कई वर्षों से उन्हें एक ही चिंता खाई जा रही थी, उनका कोई पुत्र नहीं था। फिलहाल अयोध्या रात के आगोश में सो रही थी और महाराज दशरथ कोई भयानक सपना देख रहे थे। नहीं, जोर से चिल्लाते हुए अधेड़ उम्र के राजा दशरथ अपने कमरे में नींद से उठ बैठे। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। उनकी अधपकी दाढ़ी पसीने से भीग गई थी। तकिया पसीने और आंख से बहते आंसुओं से तर हो गया था। दशरथ संभले। उन्होंने अपने चारों तरफ देखा। महल का वो खाली कमरा था। दिए की रोशनी मंदिम होकर अब बुझने को थी। बाहर ठंडी हवा बह रही थी। बादलों ने चांद को ढक लिया था। खिड़की के सामने नजर आ रही एक सूखे पेड़ की टहनी जोर जोर से ना जाने क्यों हिल रही थी। राजा दशरथ अपने बिस्तर पर बैठे बैठे सोच रहे थे। खिड़की से दिखता सूखा हुआ ये पेड़ मेरे अरमानों की तरह है। ये सोचते सोचते उनके मन में उदासी भर आई। अब उनकी उम्र हो चली थी। लगता है ये महल बच्चों के कदमों की आवाज कभी नहीं सुनेगा। शायद मैं इतिहास में अयोध्या का अंतिम राजा रह जाऊंगा। मेरे साथ साथ सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश का भी अंत हो जाएगा। मनु की बसाई ये नगरी बिन राजा के उजड़ जाएगी। दशरथ बिस्तर से उठे और सूर्य की बड़ी प्रतिमा के सामने आकर खड़े हो गए। हे सूर्य भगवान, क्या आपका वंश धरती से मिट जाएगा? क्या मैं इस कौशल साम्राज्य का आखिरी नरेश होकर मरूंगा? क्यों सूर्य भगवान, क्यों? क्या मैंने आपकी आराधना में कोई कमी छोड़ दी थी, या मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा अपराध किया है?
क्या पिछले जन्म में मैंने अपने ही वंश के किसी की हत्या की या फिर अपने गुरु की हत्या की? अगर नहीं तो मुझे आज तक बेटे का सुख क्यों नहीं मिला? उस महल में अकेले रोते राजा दशरथ की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उनके खाली कमरे में पर्दे हवा से हिल रहे थे। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के कमरे में टिमटिमाता अकेला दीपक भी अब बुझ गया और अंधेरे का साम्राज्य उस कमरे में छा गया। महाराज दशरथ की सिसकियां भी उस अंधेरे ने निगल ली। सीता की कहानी शुरू होती है जब सतयुग में ही वेदवती नाम की तपस्वी कन्या ने भगवान विष्णु से शादी करने की ठान ली थी, पर दुर्भाग्य ने वेदवती के साथ कुछ ऐसा खेल खेला कि उसे फिर से जन्म लेना पड़ा जनक कुमारी सीता के रूप में। और जिस रावण ने उसके सतीत्व पर हाथ डाला था उसके विनाश का वो कारण बनी। हर दिन की तरह वेदवती उस दिन भी हिमालय के एक पर्वत पर अपनी तपस्या करने बैठी थी। उसने काले रंग के हिरन की खाल से बनी ओढ़नी ओढ़ रखी थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ इस सुनसान वन में क्या कर रही हो? वेदवती के कानों पर किसी की वासना से भरी आवाज पड़ी। उसने चौंककर अपनी आंखें खोली। उसके सामने रावण खड़ा था। उसके सेनापति और सेना पुष्पक विमान में खड़ी थी। मैंने पूछा, तुम कौन हो सुंदरी? मेरा नाम वेदवती है, आप कौन हैं? रावण के सेनापति ने बीच में आते हुए कहा, इन्हें नहीं जानती, ये लंकेश हैं, राक्षस राज रावण। रावण? राक्षस राज रावण, उनका नाम आदर से लो, ये हमारे दैवत हैं। राक्षस राज? हाँ, इन्होंने अभी शिव से आशीर्वाद में चंद्रहास तलवार पाई है और अपने पराक्रम से कुबेर की नगरी अलकनंदा की ईंट से ईंट बजा दी है। कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया है, वो देखो। तो ये राक्षस राज लुटेरा है? ऋषि कन्या, रहने दो सेनापति। सुनो वेदवती, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। लंका की रानी बनो, त्रिभुवन की रानी बनो। कभी नहीं। लंकेश, इसे उठाकर ले चलते हैं, अकेली है, आपके भोग के काम आएगी। नीच सेनापति, अपनी होने वाली रानी से ऐसी कठोर बातें नहीं करते। वेदवती, अपने सेनापति को माफ कर दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा कुलशील क्या है? मैं कुशध्वज की बेटी हूँ और बृहस्पति मेरे दादा थे। मेरा नाम वेदवती है। मैं यहाँ विष्णु को पति रूप में पाने के लिए उनकी आराधना कर रही हूँ। ये सुनते ही रावण गुस्से में आ गया। ओ, वो दुष्ट, कपटी, नीच विष्णु! अब गुस्से की बारी वेदवती की थी। उनका नाम आदर से लो, पापी। माफ करना सुंदरी, उस विष्णु को मैं लंकापति रावण जल्द ही परास्त कर दूंगा। रावण, विष्णु से शत्रुता हमेशा राक्षसों को भारी पड़ी है। सुंदरी, तू मेरे साथ तो आ, फिर हम देखेंगे किसे क्या भारी पड़ता है। सुन दुष्ट, दैत्यराज शंभु ने मेरे पिता की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो मेरा ब्याह मेरे पसंद के वर भगवान विष्णु से कराना चाहते थे। अब मैं उनकी ये इच्छा पूरी करूंगी। मैं तब से विष्णु को प्रसन्न करूंगी और उनसे विवाह करूंगी। इतनी दुष्टता सुंदरी! सुन, मैं दशानन रावण लंकापति हूँ, तीनों लोकों का अधिपति होने वाला हूँ। तू मेरी रानी बन जा, तुझे त्रिलोक के वो सुख मिलेंगे जो उस कपटी विष्णु की पत्नी होने से भी ना मिले। ये सुन वेदवती ने अपने दोनों कान ढक लिए। दुष्ट, पापात्मा,
भगवान विष्णु के लिए ऐसे वचन सुनने से पहले मेरे कान बहरे क्यों नहीं हो गए? रावण ने आगे बढ़कर उसके नाजुक हाथों को जबरन पकड़ लिया और कानों से दूर करते हुए कहा, कपटी विष्णु! रावण के सेनापति और बाकी राक्षस सैनिक दांत दिखाते हुए हंसने लगे। वेदवती ने पूरा जोर लगाकर रावण के हाथ को झटक दिया और वो उसकी गिरफ्त से आजाद हो गई। वेदवती ने अपनी कमर पर लटकी छुरी निकाल ली। दो पल के लिए सब सकते में आ गए। रावण भी चार कदम पीछे हट गया, पर वेदवती की आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। रावण ने एक पल सोचा, फिर उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। सारे राक्षस सैनिक उसके साथ ठहाके लगा रहे थे। वेदवती अपनी जगह पर खड़ी सुबकती रही। फिर उसने अपना चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठाया, उसके कांपते हाथ से अपने आंसू पोंछे, फिर उस छुरी से अपने बाल काट डाले। दुष्ट रावण, तूने मेरा तिरस्कार किया है, अब मेरा जीवित रहना ठीक नहीं है। पर याद रख, मैं तेरे नाश के लिए फिर से जन्म लूंगी, तेरी मौत का कारण बनूंगी। इतना कहते हुए वेदवती ने अपने कटे हुए केश धरती पर जोर से पटके, उसी के साथ जमीन से आग की ज्वाला फूट पड़ी। वेदवती उस आग में कूद गई और लपटे आसमान को छूने लगी। चारों तरफ आग ही आग फैली थी। जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ था। अयोध्या नगरी पर रावण का कहर टूट पड़ा था। कौशल सेना जान की बाजी लगाकर राक्षसों से लड़ रही थी। दिन के हर बीतते वक्त के साथ कभी राक्षसों का पलड़ा भारी होता तो कभी अयोध्या की सेना का। सारी युद्ध भूमि लहूलुहान थी। दोनों तरफ से सैनिक एक दूसरे से ऐसे भिड़े थे, कौन किस तरफ से लड़ रहा है समझ पाना मुश्किल था। योद्धाओं के केवल शस्त्र ही नहीं बल्कि तन बदन रक्त से सन गए थे। राक्षसों ने अब अयोध्या पर आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए थे। सुंदर अयोध्या नगरी में अफरा तफरी मची थी। युद्ध भूमि में राजा दशरथ का रथ गड़गड़ाहट करता, खून मांस के कीचड़ को रौंदता आगे बढ़ रहा था। उसके साथ और 10 रथ थे जो एक साथ आगे बढ़ते हुए राक्षस सेना को काट रहे थे। राक्षस सेना भी बड़े बड़े पेड़ उखाड़कर रथों पर मार रही थी। कभी कभी अचानक आसमान से भारी भरकम पत्थर आकर अयोध्या पर गिरता। रावण के सिर पर मंडराने वाले आग उगलने वाले गिद्ध अपनी चोंच खोलकर आग की तेज लपटें फेंकते। नगर छोड़कर भाग रहे अयोध्या के लोग आग की उन तेज लपटों से झुलस जाते। अयोध्या का बड़ा कपड़ा बाजार धू धू कर जल रहा था। आग बुझाने वाले यंत्र एक गली से दूसरी गली भाग रहे थे। सरयू नदी का साफ निर्मल जल जली हुई लाशों कीचड़ और खून से मटमैला हो गया था। दिन ढलते ढलते अयोध्या की सारी सेना राक्षसों के भेंट चढ़ गई और जो बची खुची सेना थी वो आसपास के जंगलों में भाग खड़ी हुई। जो 10 रथ हमेशा दशरथ को घेरे रहते थे वो चकनाचूर हो गए। महाराज दशरथ अपने सारथी के साथ अकेले मोर्चा संभाले लड़ रहे थे। धड़ाम की आवाज के साथ एक भारी भरकम पत्थर दशरथ के रथ के चक्के से आ टकराया। कड़ाक की आवाज के साथ रथ टूट गया। हवा में गोते लगाते राजा दशरथ जमीन पर गिर पड़े। उनके हाथ से हथियार छूट गए। शर्म से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। धीरे धीरे दशरथ ने अपनी आंखें खोली। उनकी नजर उनके गाल से टिककर लगी नुकीली चमकीली चीज पर गई। दशरथ ने जब उस नुकीली चीज को ध्यान से देखा तो उन्हें यह समझने में देर न लगी, ये शिव की चंद्रहास तलवार है।
उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाने की कोशिश की, वो उठ नहीं रहा था। वो किसी भारी भरकम चीज के नीचे दब गया था। दशरथ ने तिरछी नजर से अपने हाथ की तरफ देखा। उनका हाथ एक विशाल काय काले पैर के नीचे दबा हुआ था। दशरथ ने अपने बाएं हाथ से आंख पोछी, उस पर गिरा रक्त और कीचड़ दूर किया। धीरे धीरे उनकी नजर ऊपर उठती गई। तब दशरथ को एहसास हुआ, उनका हाथ जिस भारी भरकम पैर ने दबाया है उसके 10 सिर और 20 हाथ हैं। आसमान तक उसका शरीर फैला है। अयोध्या के राजा दशरथ, रावण की आवाज में नफरत का भाव था। धूल में पड़े हैं उस नगरी के महाराज जहां कभी युद्ध नहीं होता। अब भ्रम टूट गया राजन। रावण ने जोर से ठहाका लगाया। सुन रे अयोध्या के राजा, मैं अभी इसी वक्त तेरी हत्या कर सकता हूं, पर मैं चाहता हूं तू जिंदा रहे और तू अपने मुंह से अपनी हार की कहानी सुनाए। जा, भाग जा। कहते हुए रावण ने अपना चंद्रहास तलवार दशरथ के गाल से हटा लिया, साथ ही अपना पैर दशरथ के हाथ से उठा लिया। फिर रावण अपने रथ पर सवार हो गया। आसमान में उड़ते गिद्ध जमीन पर नीचे उतरकर रणभूमि में पड़े सैनिकों की लाशों को नोच रहे थे। दशरथ के पीछे जलती अयोध्या थी और आगे घना जंगल। अकेले लाचार रणभूमि में गिरे पड़े राजा दशरथ के ऊपर रावण का दूर जाता रथ अपने चक्कों से खून और कीचड़ उछाल रहा था। दशरथ ने एक नजर अयोध्या पर डाली। उनका सिर शर्म और लज्जा से झुक गया, साथ ही मन अवसाद से भर गया। सूरज ढल रहा था, सामने घना जंगल था। दशरथ उस जंगल की तरफ भागने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहार।